So here we are doing, and we have done till that is last second paragraph of this page. He had received all of 30 kronor in payment, right? Here we have finished yesterday. Everyone, my voice is clear to you. Shall we start? Yes, ma'am. द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम इनक्रेडुलस. इनक्रेडुलस मतलब जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते. यू कैन से अविश्वास जिसको बोलते हैं. फॉर द ओल्ड मैन गॉट अप. इसलिए जो आदमी था, बूढ़ा आदमी, वो उठा एंड वेंट टू द विंडो. वो खिड़की की तरफ गया. टुक डाउन अ लेदर पाउच. उसने एक लेदर का पाउच जो वहां टंगा हुआ था खिड़की पे, वो वहां से उतारा. विच हंग ऑन अ नेल. एक कील लगी थी. नेल मतलब कील लगी हुई थी वहां पर इन द वेरी विंडो फ्रेम. विंडो का जो फ्रेम लगा हुआ था उसके ऊपर एक कील थी. उस पर लेदर का पाउच टंगा हुआ था, वो उसने निकाला वहां से. एंड पिक्ड आउट थ्री रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स. उसने थ्री रिंकल्ड मतलब जिसके अंदर तीन जो तय बनी होती है ना, जैसे जो पैसे होते हैं उनको फोल्ड करके अपने पास रख लेते हैं, इस तरीके से वो रखा हुआ था. तो उसने निकाला 10 क्रोनर का बिल. These he held up before the eyes of his guest. उसने वो क्या किया, जैसे कि वो मेहमान यानी कि स्ट्रेंजर जो वहां बैठा था रेटर, वो देखता उससे पहले ही, उसको देखने से पहले ही वहां से निकाल लिया. Nodded knowingly. Nodded मतलब हाँ में सर हिलाना, जैसे कि वो जानता ही हो, इस तरीके से वो सर हिलाता रहा. And then stuffed them back into the pouch. Stuff का मतलब क्या है, वापस से उसी के अंदर ठूस देना. और फिर उसी के अंदर वापस उसने वो रख दिया, मतलब उसको देखते उसने निकाला और फिर उसके बाद वापस उसको उसी के अंदर ही रख दिया. The next day both men got up in good season. मतलब अगले दिन दोनों आदमी थे वो एक साथ उठे और काफी अच्छा मौसम था. The crofter was in a hurry to milk his cow. The crofter था यानी कि जो old man था वो जल्दबाजी में था क्योंकि उसको अपनी काव का मिल्क दूध निकालना था. And other men probably thought he shouldn't stay in bed when the head of the house had gotten up. और जो दूसरा आदमी यानी कि रेड ट्रैक था वो ये सोच रहा था कि शायद उसको अब बेड पे नहीं रहना चाहिए, मतलब उसको सोते हुए नहीं रहना चाहिए. जब घर का हेड ही उठ गया है तो उसको भी उठ जाना चाहिए. दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम. दोनों ने एक ही समय पे अपना उसका जो कॉटेज था वो छोड़ दिया, मतलब दोनों एक साथ घर से निकल गए. द क्रॉफ्टर लॉक्ड द डोर एंड पुट द की इन हिज पॉकेट. क्रॉफ्टर जो था यानी कि जो ओल्ड मैन था, उसने अपने दरवाजे को बंद किया और चाबी को अपनी जेब में रख लिया. The man with the red trap said goodbye and thank you. आदमी जो चूहेदानी रखता है यानी कि जो फेरी वाला था, चूहेदानी बेचने वाला था स्ट्रेंजर, उसने गुड बाय बोला और उसको थैंक यू भी बोला क्योंकि उसने उसके घर में उसको आश्रय दिया, उसको खाना खिलाया, तो इस बात के लिए उसने उसको थैंक यू बोला और वो वहां से. एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे. फिर उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले गए. बट हाफ एन आवर, लेकिन आधे घंटे बाद, हाफ एन आवर लेटर, द रेड ट्रैप पैडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. पैडलर मतलब हम देखते हैं ना, ये जो बेचने वाले फेरी लगाते रहते हैं, गलियों में घूमते रहते हैं, पैडलर मतलब होता है फेरी वाला. और जो रेड ट्रैप था वो भी क्या, मतलब वो जो आदमी था वो चूहे दानी बेचने के लिए गलियों में फेरी लगाता था, तो उसको बोला रेड ट्रैप पैडलर. स्टूड अगेन, दोबारा से आके खड़ा हो गया बिफोर द डोर, दरवाजे के सामने. मतलब जो चूहेदानी बेचने वाला था वो दोबारा से वापस उसके कॉटेज के सामने आके खड़ा हो गया. He didn't try to get in. उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की. However, he went up to the window. जबकि उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की, वो कहाँ गया, सीधा खिड़की के पास गया. Smashed the pane. वो जो खिड़की का शीशा था उसको स्मैश मतलब चूर चूर कर देना, तोड़ देना. स्टक इन हिज हैंड, उसने वो शीशा तोड़ा, अपना हाथ उसके अंदर डाला
एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और उसने वो पाउच जो था वो पकड़ा उसके अंदर से, जिसमें नाइट में ओल्ड मैन ने पैसे रखे थे अपने, विद द 30 क्रोनोस, और उसके अंदर 30 क्रोनोस थे वो उसने निकाले. He took the money and thrust it into his own pocket. उसने वो पैसे निकाले और उनको अपनी पॉकेट के अंदर रख लिया. Thrust मतलब अंदर रखना, उसने अपनी पॉकेट के अंदर रख लिया. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. उसके बाद उसने लेदर पाउच को बहुत ही ध्यान से उसी उसकी जगह पे रखा और वो वहां से चला गया. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. जैसे कि वो पैसे को उसने अपनी जेब में रखा था, तो अपनी पॉकेट में पैसे रखकर वो खुशी खुशी वहां से जा रहा था. Felt quite pleased मतलब बहुत खुश जो था वो महसूस कर रहा था अपने आप को, क्योंकि वो समझ रहा था कि मैं बहुत ज्यादा स्मार्ट हूँ. विथ हिज स्मार्टनेस, मैं बहुत ज्यादा शातिर हूँ, चतुर हूँ, क्योंकि मैं वहां पर आराम से रह भी गया और मैंने वहां पर चोरी भी कर ली, तो मेरे पास पैसे भी आ गए. सो ही वाज थिंकिंग ही वाज वेरी स्मार्ट. ही रियलाइज्ड ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट कंटिन्यू द पब्लिक हाईवे. उसको याद था, और जब जैसा कि उसको सभी को पता होता है चोर चोरी करके कभी सामने से तो जाता नहीं है, तो शुरुआत में उसने ये सोचा कि ही डेयर नॉट कंटिन्यू ऑन पब्लिक रोड, पब्लिक हाईवे के ऊपर से वो नहीं गया. इतनी हिम्मत उसने नहीं दिखाई, क्योंकि चोर तो चोरी करके हमेशा ऐसे रोड से जाता है ना जहां पर कोई उसको देखे नहीं. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, टर्न ऑफ मतलब मोड़ ले लिया उसने, उसने वो उस रोड से मोड़ ले लिया, यानी यहाँ से वो मुड़ गया कहां पर, इनटू द वुड्स. वुड्स मतलब जंगल में से चोरी करके वहां से पैसे लेके वो हाईवे की बजाय जंगल के रास्ते से गया. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कोर्स हिम नो डिफिकल्टी. शुरुआत के घंटों में तो उसके लिए वो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था, मतलब कठिन नहीं था, कोई कठिनाई नहीं हुई उसको वहां पर. लेटर इन द डे इट बिकम वर्स, और उसके बाद में जैसे जैसे दिन गुजरता गया, मतलब दिन मतलब आगे आफ्टरनून होने लगा, दोपहर होने लगी, तो इट बिकेम वर्स, उसके लिए बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा. फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट. क्यों था बुरा एक्सपीरियंस वो? क्योंकि वो बहुत ही बड़ा और कंफ्यूजिंग जंगल था वो, मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था किस रास्ते से उसको जाना चाहिए. Which he had gotten into, जिसके अंदर वो फंस गया था, right? शुरू में तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि वो छुप के जा रहा है, लेकिन जब जैसे जैसे दिन बीतता गया उसने रियलाइज किया कि वो वहां पर फंस चुका है, क्योंकि वो फॉरेस्ट बहुत बड़ा था और कंफ्यूजिंग था, उसको रास्ते पता नहीं चल रहे थे. He tried to be sure to walk in a definite direction. उसने कोशिश की कि वो एक ही डायरेक्शन में चले, मतलब जिससे सीधी डायरेक्शन में, निश्चित डायरेक्शन के अंदर चले वो सीधी दिशा में, ताकि वो अपने रास्ते से निकल सके. बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली. लेकिन जो पाथ यानी कि रास्ते थे, ट्विस्ट मतलब मुड़ रहे थे, बैक एंड फोर्थ आगे एंड पीछे बहुत ही अजीब तरीके से. He walked and walked without coming to the end of the wood. वो चलता रहा विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, लेकिन उस जंगल के अंत तक नहीं आया. मतलब वो फॉरेस्ट कहाँ खत्म हुआ उसको पता ही नहीं, क्योंकि वो फॉरेस्ट के अंदर ही अंदर घूम रहा था, वो चलता ही जा रहा था. एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. और अंत में उसने ये रियलाइज किया कि वो सिर्फ उस फॉरेस्ट के एक हिस्से में, सेम पार्ट, उसी हिस्से के अंदर वो घूम रहा है. मतलब उसने कोई सही दिशा नहीं पकड़ी जिससे वो फॉरेस्ट के बाहर निकल सके, वो उसी हिस्से में बार बार घूम रहा है. एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट अबाउट द वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप. कभी अचानक से एट वंस एक ही बार में उसके माइंड में वो थॉट्स आ गए, उसके विचार आ गए कि ये दुनिया, और दुनिया क्या है, पूरी एक रेट ट्रैप, चूहे दाने है जिसके अंदर लोग आके फंस जाते हैं. नाउ हिज ओन टर्न हैड कम. अब वो सोचता है कि अब उसकी बारी आ गई है. मतलब जैसे बाकी के लोग इस चूहे दाने में आके फंस जाते हैं किसी ना किसी लालच से, ऐसे ही अब मैं भी फंस चुका हूँ. उसको लगता है अब मेरी बारी है इसमें फंसने की.
He had let himself be fooled by a bait and had been caught. उसने अपने आप को ही बेवकूफ बनने दिया उस चारे से. बेट मतलब चारा डालना, लालच देना. मतलब ना तो वो चोरी करता, ना उसको रोड हाईवे छोड़ के उसको जंगल से निकलना पड़ता, और ना वो वहां पर उस जंगल के अंदर फंसता. तो वो अपने आप को ही बोल रहा है कि उसने खुद को ही बेवकूफ बना लिया उस लालच से, और अब वो पकड़ा गया, मतलब अब वो फंस गया. The whole forest with its trunk and branches, its thickets and fallen logs. पूरा का पूरा फॉरेस्ट जिसके अंदर ट्रंक्स मतलब जो शाखाएं थी, ब्रांचेस शाखाएं, ट्रंक मतलब जो तने थे उनके टूटे हुए पड़े थे. फॉरेस्ट में तो यही होता है ना कि ट्रीज कहीं पर टूटे हुए हैं, कहीं गिरे हुए इस तरीके से. एंड इट्स थिकेट्स, थिकेट्स मतलब छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं ना ट्रीज के अंदर, मतलब फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज के नीचे झाड़ियां जिसको बोलते हैं. एंड फॉलन लॉग्स, लॉग्स मतलब लकड़ी के टुकड़े, और वहां पर बड़े बड़े जो थे लकड़ी के टुकड़े गिरे हुए थे. इन सब चीजों की वजह से क्लोज इन अपॉन हिम लाइक एन इनपेनिट्रेबल प्रिजन. वो सब उसको वहां पर गिरे हुए दिख रहे थे. उसको ऐसा लग रहा था कि मैं कहां फंस गया हूँ. एक अब ये बंद हो रहा है मेरे सामने दरवाजा एक जेल का, और वो जेल कौन सी है? इनपेनिट्रेबल. इनपेनिट्रेबल मतलब वो जिसको तोड़ा ना जा सके. एंड इन हिंदी यू कैन से इट इज अभेद्य, जिसके कोई भी आप तोड़ नहीं सकते, सब कोई भी आपको निकलने का रास्ता ना दिखाई दे, उस तरीके की जेल में वो फंस गया है. फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, और जिसके अंदर से वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा. राइट, सो इस तरीके से रैट ट्रैप जो है वो अपनी खुद की गलती की वजह से जाके कहां फंस जाता है, एक फॉरेस्ट में. उसको निकलने का कोई भी रास्ता वहां पर नहीं दिखता. इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम. एनी डाउट? सो शैल वी डू नेक्स्ट? यस यस. ओके. यस मैम. इट वाज लेट इन दिसंबर, डार्कनेस वाज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. दिसंबर में आपको पता ही है कि दिन छोटे होते हैं, नाइट्स लेंदी होती है. राइट, तो दिसंबर था तो डार्क में अंधेरा हो गया. एंड ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और दिस और जंगल के अंदर तो ऑलमोस्ट अंधेरा हो ही गया था. ठीक है, दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, और इस चीज से यानी कि अंधेरा होते ही उसका खतरा और बढ़ गया. एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो हिज ग्लूम. ग्लूम मतलब निराशा, डिस्पेयर मतलब उदास हो जाना, उम्मीद छोड़ देना. और जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, खतरा बढ़ता गया, और उसका जो मूड था वो मतलब वो बहुत ज्यादा उदास होता गया, और उसने उम्मीद ही छोड़ दी कि अब मैं कभी यहाँ से निकल पाऊंगा. फाइनली ही सा नो वे आउट, आखिर में उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया. एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो कहाँ बैठ गया? जमीन के ऊपर बैठ गया. सैंक डाउन मतलब सैंक का मतलब तो डूबना होता है ना, यहाँ पर हम कहेंगे उदास, हताश, निराश होके जमीन के ऊपर बैठ गया. टायर्ड टू डेथ, इतना थक चुका था कि जैसे मौत ही हो जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा थक चुका था. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, वो सोच रहा था अब उसका आखिरी समय आ गया. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसने अपना सर जमीन के ऊपर रखा, ही हर्ड अ साउंड, उसको एक आवाज सुनाई दी. अ हार्ड रेगुलर थंपिंग, एक बहुत ही हार्ड मतलब बोलते ना बहुत ज्यादा जोर से थंप धम की आवाज आना, जोर जोर से जमीन के ऊपर मार रहा है, ऐसी आवाज उसको सुनाई दी. देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वॉज, इसमें कोई शक नहीं था कि वो क्या चीज थी. He raised himself, उसने अपने आप को उठाया, मतलब वो उठा वहां से. Those are the hammer stroke from an iron mill. वो क्या था? हथौड़े से कोई स्ट्रोक मतलब मार रहा था आयरन मिल, लोहे को जैसे हथौड़े से पीटते है ना, ऐसी आवाज उसको सुनाई दे रही थी. तो वो समझ गया था कि ये क्या है, कि यहाँ पर कोई इस जंगल के आसपास कोई आयरन मिल है, लोहे की, लोहे का कारखाना है यहाँ. He thought there must be people nearby. उसने सोचा कि आसपास यहाँ पर लोग हैं अभी.
ही समंड ऑल हिज स्ट्रेंथ, समन मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, उसने अपनी सारी हिम्मत इकट्ठी की, गॉट अप, खड़ा हुआ, एंड स्टेगर इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. स्टेगर मतलब लड़खड़ाना, और लड़खड़ाते हुए जहां से वो आवाज आ रही थी उसी दिशा में उसने चलना शुरू किया. द रामजसु आयरन वर्क मिल वहां पर, वो कारखाना था वहां पर, विच आर नाउ क्लोज डाउन, वो अभी बंद हो चुका था, बट नॉट सो लॉन्ग अगो, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था. अ लार्ज प्लांट, एक बड़ा सा पेट, विद स्मेल्टर रोलिंग मिल, सॉरी एक बहुत बड़ा प्लांट था वो, मतलब होता है ना कारखाना, बहुत बड़ा कारखाना था वो, जहां पर लोहे को पिघलाया जाता है, फिर उसको रोल किया जाता है, फोर्ज मतलब कारखाना था. इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस एंड स्कोस स्लिड डाउन द कैनल. गर्मी के टाइम पे लॉन्ग लाइन्स, लंबी लाइन्स लगी रहती थी वहां पर, पंक्तियां लगी रहती थी, जिसके अंदर हैवी लोडेड बार्जेस, बार्जेस क्या होती है, नाव ही होती है एक तरह की, लेकिन उस नाव के अंदर क्या होता है, सामान रख के लाया जाता है. आपने देखा होगा बहुत सारी जो नाव होती है, बोट होती है, वो पीछे से बिल्कुल फ्लैट होती है, मतलब आगे से वो एक बोट की शेप में होती है, लेकिन उसका बैक साइड जो होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, उसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा जाता है. तो उसी तरीके की वो जो बोट होती है उसको बार्ज बोलता है. एंड स्कोस को यहाँ पर वो है बोट, नाव जो होती है. स्लिड डाउन द कैनल, जो कहां से स्लिड मतलब सीधा जाती थी कैनल, उस नहर से, विच लेड टू द लार्ज इनलैंड लेक, और फिर उसके बाद जमीन के अंदर एक लेक थी, उस लेक के अंदर वो चली जाती थी, मतलब वहां से सामान आता जाता था. वो यू कहने की कोशिश कर रहा है कि गर्मी की, जब गर्मी होती है तो उस टाइम पे क्या होता था, भारी भारी सामान से भरी हुई नाव जो थी वो कैनल के थ्रू लेक के अंदर चली जाती, झील के अंदर. एंड इन द विंटर टाइम द रोड नियर द मिल वर ब्लैक, और जो मतलब गर्मी के टाइम में तो पानी के थ्रू उनका सामान आता जाता था, और सर्दी के टाइम में जो रोड्स थे नियर द मिल, मिल के आसपास जो रोड थे वर ब्लैक, वो पूरे काले पड़ जाते थे फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, क्योंकि उसके अंदर कोल आता था ना, उनका सामान आता था उसमें कोल था, तो वो कोल की वजह से पूरा जो रोड था वो काला पड़ जाता था. विच शिफ्टेड shifted down the big charcoal crates. Crates मतलब जो बड़ी बड़ी charcoal मतलब कोयले की, और उसकी कोयले की पेटी आ गई थी. Crates मतलब लकड़ी की जो पेटियां होती है ना, जिसके अंदर भर के आता कोयला वो, और charcoal वगैरह ये सब कुछ आता था. तो इन सब चीजों से पूरा रोड जो था वो काला पड़ा हुआ था. वो बता रहा है कि समर टाइम में तो सारी चीजें जो थी वो किससे आती थी, पानी के थ्रू आती थी, लेकिन विंटर टाइम में वही चीजें किसके थ्रू थी, रोड के थ्रू आ रही थी. ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग मतलब जो बहुत ही ज्यादा अंधेरी इवनिंग्स होती थी, अब ये क्रिसमस की बात कर रहा है, तो अभी वो दिसंबर का टाइम हमने ऊपर पढ़ा है, तो क्रिसमस का टाइम था, क्रिसमस से थोड़ा पहले. द मास्टर स्मिथ, जो मास्टर स्मिथ मतलब जो उनका हेड होता था, स्मिथ सबको पता है ना, जो लोहे का काम करते हैं. एंड हिज हेल्पर सेट इन द डार्क फोर्स, और उसके जो काम करने वाले हेल्पर थे उसके साथ, वो डार्क फोर्स अंधेरे कारखाने में बैठे होते थे, नियर द फर्नेस, भट्टी के सामने, वेटिंग फॉर द पिग आयरन. पिग आयरन मतलब जो इम्प्योर आयरन होता है ना, मतलब रॉ मटेरियल होता है उसको, उसके लिए वो वेट करते रहते थे. तो इम्प्योर आयरन के लिए वो बैठ के वहां पर वेट करते रहते थे भट्टी के सामने, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको वो आग में रखते थे, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल. एनविल मतलब जो होती ना आग में रखने के लिए उनको बड़ी बड़ी रोड्स लेनी पड़ती है, उन रोड्स के थ्रू वो उनको उठा के इधर उधर रखते हैं, तो वो आयरन ब्लॉक होते हैं, उसको एनविल बोलते हैं. मतलब वहां पर वो जो पिग आयरन, जो इम्प्योर आयरन होता था, उसको वो आग में रखते थे, भट्टी के अंदर रखते थे, और टू बी रेडी टू पुट इन ऑन द अवेल, और फिर उसको जब वो रेडी हो जाता था अवेल से उठा के उसको साइड में रखते. Every now and then, one of them got up to stir the glowing mass with the long iron bar.
उसके बाद हर एक कभी अभी फिर उसके बाद बार बार मतलब उठते रहते थे वो। स्टर मतलब हिलाना, हिलाने के लिए ग्लोइंग मास मतलब जो चमकता रहता था। आयरन को जो हम पिघलाते हैं तो उसमें एक शाइन से आ जाती है। और लॉन्ग आयरन बार मतलब बड़ी सी आयरन की जो होती है छड़, इसको बोलते हैं, उससे वो हिलाते रहते थे उसको, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स। और फिर वो उसको हिला के वापस आ जाते थोड़े टाइम बाद, ड्रिपिंग विद परस्पिरेशन। और जैसे वो आके सामने उस लोहे को हिलाने के लिए जाते थे मिट्टी के अंदर, तो उनकी बॉडी जो थी वो बिल्कुल पसीने से भर जाती थी। तो इट मीन उनकी बॉडी से पसीना टपकता रहता था। नाउ एज वो द कस्टम, जैसे कि वो उनका हैबिट थी, कस्टम मतलब वो उनकी आदत थी। अब उनका काम ही यही है, उनको लोहे को पिघलाना है, उसको मतलब जो इम्प्योर है आयरन उसको पिघला के उसको दोबारा से प्योर बनाना है, और फिर उससे सामान बना के आगे भेजना है। तो उनका काम ही यही है। तो इसके लिए वो भट्टी के सामने काम करते रहते थे। ही वोर नथिंग बट लॉन्ग शर्ट, वो कुछ नहीं पहनते, बस पहनता बस एक लंबी सी शर्ट थी एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज, और वुडन शूज लकड़ी के जूते वो पहन के रखते। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड टू बी हर्ड इन द फोर्ज, उस कारखाने में हर समय बहुत सारे साउंड सुनाई देते थे। द बिग बेलो ग्रोन, बेलो ग्रोन, बेलो होती है सब जानते हैं ना, विलेजेस के अंदर जब आग बुझ जाती है चूल्हे में, तो वहां पर हमारे पास एक उसको बोलते हैं फूकनी बोलते हैं, वो होती है, उससे हम आग जलाते हैं। तो वो बताते हैं कि बड़ी बड़ी जो बेलोज होती है, धोखनी जो होती है, उनकी आवाज सुनाई देती है। द बर्निंग कोल क्रैक्ड, तो जलता हुआ कोयला जो है वो क्रैक मतलब टूटता है, उसकी आवाज सुनाई देती है। द फायर बॉय शोवल चारकोल, और जो फायर बॉय यानी कि जो आग जलाता है वो लड़का जो है, शोवल शोवल मतलब शोवल तो एक इंस्ट्रू होता है, एक चीज इंस्ट्रूमेंट लगा देते, तो चीज होती है जिससे वो क्या करते हैं कोयले को अंदर की तरफ धकेलते हैं एंड इनटू द माउ ऑफ द फर्नेस। माउ वैसे तो होता है पेट जिसको बोलते हैं, वो माउ होता है, लेकिन यहाँ पर भट्टी का जो अंदर का हिस्सा है ना उसके अंदर डालते हैं। विथ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, और जैसे ही वो कोयला अंदर की तरफ जाता है भट्टी के अंदर गिरता है, तो बहुत ज्यादा क्लैटर की आवाज, कड़कड़ाने की आवाज सी आती है। आउटसाइड रोर द वाटरफॉल, और बाहर किसकी आवाज आती है, वाटरफॉल यानी कि झरना है कोई, उसकी आवाज आती है। एंड शार्प नॉर्थ विंड विप द रेन, और जब नॉर्थ विंड से क्या होता है, विप द रेन मतलब बारिश गिरती है अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और जो ब्रिक टाइल रूफ जो छत जो होती है उसके ऊपर बारिश गिरती है तो उसकी आवाज सुनाई देती है। तो वो कहना क्या चाह रहा है कि उस भट्टी के अंदर उसको बहुत सारी आवाजें जो है वो सुनाई देती है, ठीक है। कभी उसके अंदर क्या है, वो लोकनी से फूक मार रहे हैं उस तरह तरहाने की आवाज आती है, कोयले के टूटने की आवाज आती है, कोयला एकदम से भट्टी के अंदर गिरता है उसकी क्लैटर की आवाज आती है, बाहर वाटरफॉल मतलब झरना है उसकी आवाज आ रही है, और उसके साथ साथ जब बारिश होती है तो बारिश की आवाज भी आती है, छत के ऊपर जब बारिश गिरती है तो उसकी आवाज आती है। तो उस मिल के अंदर बहुत सारे साउंड्स क्रिएट होते हैं। इट वाज प्रोबेबली ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैकस्मिथ डिडंट नोटिस दैट अ मैन हैड ओपन्ड द गेट एंड एंटर द फोर्ज, ऐसा शायद उसी साउंड की वजह से हुआ, मतलब इतनी आवाजें वहां पर हो रही थी, इसी वजह से शायद जो वो ब्लैक स्मिथ था उसने नोटिस नहीं किया, वहां का जो मास्टर ब्लैक स्मिथ है उसने नोटिस नहीं किया कि एक आदमी जो था वो दरवाजा खोल के कारखाने के अंदर घुस गया। एंड ही एंड अंटिल ही स्टूड अप क्लोज द फर्नेस, और वो अंदर आ गया तब तक उसने नोटिस नहीं किया, जब तक कि वो सीधा आके भट्टी के सामने खड़ा नहीं हो गया तब तक उस ब्लैक स्मिथ को नजर नहीं आया कि कोई आदमी चुपचाप घर पे उसके अंदर आ चुका है, ठीक है। शायद वो शोर की वजह से था कि ब्लैक स्मिथ ने नोटिस ही नहीं किया कि कोई इंसान आया है, और वो भट्टी के सामने आके खड़ा हुआ तब उसको दिखाई दिया कि कोई स्ट्रेंजर कारखाने के अंदर आ गया। यस मैम, यस मैम, यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम, श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, शायद ये कोई
असाधारण बात नहीं थी फॉर द पुअर वेगाबोंड, मतलब उस बेचारे आवारा, क्यों उस घूमता ही रहता था गरीब आवारा के लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्स बाय द ग्लो ऑफ लाइट विद एस्केप थ्रो दास सूटी पेन्स। सूटी पेन्स क्या होते हैं, जिनके ऊपर काली लगी होती है, यानी कि काला लगा, जो काले हो रहते हैं, ठीक है, उनके जो शीशे थे वो भी काले पड़े हुए थे, क्योंकि वो एक कारखाना था, वहां पर सारे दिन भट्टी के सामने काम होता था और कोयला जलता रहता था और लोहे को फिंगाया जाता था, तो वहां पर क्या था, पूरा बिल्कुल ब्लैक हुआ पड़ा था। हम देखते हैं ना जो ये कारखाने होते हैं जहाँ पर ये सब काम होते हैं, वहां पर लोग ऐसे होते हैं। तो एक गरीब आवारा के लिए उससे ज्यादा बेटर शेल्टर कोई नहीं हो सकता था रात के अंदर, उस रात में वहां पर रुकने के लिए, टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज। वो किसकी तरह, उस कारखाने की तरफ अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि उसको लगा वो बिल्कुल सही है उसके लिए, विद द ग्लो ऑफ लाइट, क्योंकि वहां पर लाइट जो जल रही थी, विच एस्केप थ्रू द स्कूटी पेन, एस्केप्ड थ्रू द स्कूटी पेन, उन कहां से, जो उनकी कालिक से भरे हुए, यानी कि काले जो शीशे पड़े हुए थे उसके अंदर से, एंड टू कम इन टू वार्म देमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द फायर। और वो सीधा आके कहां आ गया, सीधा भट्टी के सामने आ गया अपने आप को गर्म करने के लिए, मीन्स वहां सर्दी थी तो सर्दी से बचने के लिए वो सीधा आग के सामने आ गया। द ब्लैकस्मिथ ग्लैंस्ड, जो ब्लैकस्मिथ था उसने उसकी तरफ देखा, ग्लैंस मतलब झलक, वैसे तो झलक होता है लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे देखना, ओनली कैजुअली, मतलब उसकी तरफ देखा सिर्फ ऐसे साधारण तरीके से, उसको कुछ स्ट्रेंज नहीं लगा, एंड इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, इंडिफरेंटली मतलब उदासीनता से, ठीक है, अलग तरीके से देखा उसने उसकी तरफ। इंट्रूडर मतलब इंट्रूडर वैसे तो घुसपैठिया होता है, और यहाँ पर वो स्ट्रेंजर था, चुपचाप वहां पर अंदर आ गया था, इसलिए उसको इंट्रूडर बोला। ही लुक्ड द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, उसने उसी तरीके से देखा जैसे कि उस तरीके के लोग देखते हैं, उसने उसी नजर से उसको देखा। विद अ लॉन्ग बियर्ड, उसकी लंबी सी दाढ़ी, डर्टी गंदे उसके कपड़े, रैग्ड मतलब जो होता है ना चिथड़े से फटे होते जगह जगह से उस तरीके के, एंड विद अ बंच ऑफ रेड ट्रैप, उसके हाथ में कुछ चूहे दानियां डैंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, वो कहां थी, जो चूहे दानियां थी वो डंगली मतलब झूल रही थी, डंगली मतलब झूलना, ऑन हिज चेस्ट उसकी छाती के ऊपर, मतलब उसने गले में लटका रखी थी सारी चूहे दानियां। तो उसने उसकी तरफ देखा, उसको खुद वो एक बहुत अजीब सा पर्सन लगा, क्योंकि उसकी लंबी सी दाढ़ी थी, गंदे से कपड़े थे उसके फटे हुए से, राइट, और उसके गले में बहुत सारी चूहे दानियां लटकी थी जो झूल रही थी उसकी चेस्ट के ऊपर। इस तरीके से उसने उसकी तरफ बहुत अलग तरीके से देखा, लेकिन वो समझ गया था कि वो ऐसे ही पैडलर है, चूहे दाने बेचने वाला, वो समझ गया था उसको देखते ही, राइट, तो उसने उसको मना नहीं किया। Then he asked permission to stay. Rat trap ने उसे पूछा वहां पर रुकने के लिए, परमिशन मांगी, तो मास्टर ब्लैकस्मिथ नोडेड हॉटी कंसेंट, हॉटी होते ना बहुत एरोगेंट से होते, घमंडी से होते, कंसेंट मतलब अनुमति देना, सहमति देना, विदाउट ऑनरिंग हिम, बिना उसकी कोई ऑनरिंग मतलब विदाउट एनी रिस्पेक्ट, विद अ सिंगल वर्ड, और एक ही वर्ड में, मतलब जो रेड ट्रैप था उसने परमिशन मांगी वहां पर रुकने के लिए, तो ब्लैकस्मिथ ने बहुत ही घमंड के साथ उसको सहमति दे दी, सिर्फ एक शब्द के अंदर ही बोल के, नॉडिंग मतलब हाँ में सर हिलाना, ठीक है, उसने उसको बिल्कुल भी ऐसी नजर से नहीं देखा कि वो उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, वो डिसऑनरिंग था उसके लिए, क्योंकि उसका हुलिया भी कुछ ऐसा ही था, लेटरअप जो था वो उस ऐसी शक्ल से बना के आया था, उसके कपड़े भी ऐसे थे कि कोई भी ऐसा ही बिहेवियर दिखाएगा, he was looking like a beggar, तो इसलिए उसने सहमति दे दी वहां पर उसको रहने के लिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. If anyone want to ask something, so they can ask. Any meaning or any line that you have not understood? Not for tomorrow. It would complete next 2 days. काफी lengthy chapter है, आगे 2 दिन और लग जाएंगे इसको complete करने. Right?
रीड इट योरसेल्फ, अपने आप भी पढ़ने की कोशिश किया करो. मेनली यू हैव टू रीड द स्टोरीज.